ओंकार सतना करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्याण पालक होए ता इक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े तुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया सुख नाही रे हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना
जप 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 जीवा सतगुर नाओ जीवा सतगुर नाओ जीवा सतगुर नाओ दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ गुरु जी के दर्शन को बल जाओ दर्शन को बल जाओ जप 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 जीवा सतगुर नाओ जीवा सतगुर नाओ जीवा सतगुर नाओ नजरों में हम जी रहे हैं क्योंकि सांसें ले रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर गुरु की नजरों में हम तब जीते हैं जब जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखा जीवा विसरे मर जाऊं गुरु की नजरों में। पाचा चाहते हमारी अवस्था वो बन जाए
कि अगर जप रहे हैं तो जी रहे हैं, और जब भूल गए हैं तो गुरु की नजरों में मर चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आत्म की मौत कहा है भूलने को, जो नाम को भूल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पाछा तो बाणी में यहाँ तक फरमाते हैं, बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार। कहते पाछा, कहते मेरी नजरों में बंदा इंसान ही वो है जो भक्ति करे, किस लिए? दर्शनों के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंदे से जे पवे विच बंदी, बंदगी में पड़ जाए, क्यों? वेखण को दीदार, उसकी दीदार चाहिए, इस प्यास से बंदगी में लग जाए, वही उसकी नजरों में इंसान है। नहीं तो बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, बंदा जे बंदगी करे तो बंदा, नहीं तो गंदे तो भी गंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अगर बंदगी करता है, नाम जपता है, तो इंसान है, वरना कूड़े के ढेर है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव यही पंक्तियां जो दास पढ़ रहा है, अब सब साथ में गा रहे हो, जप जप जीवा सतगुरु नाओ। पाछा फरमाते हैं, मैं जीता ही तब हूँ गुरु की नजरों में, जब मैं जपता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वरना मेरी आत्मिक मौत हो जाती है। जप जप जीवा सतगुरु नाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात है, हम जी रहे हैं कि मर चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीदा, पिछल रात न जाग्यो, जीवन दड़ो मुयो है, जे ते रब विसारिया, रब न विसरियो है। भगत फरीद जी फरमाते हैं, अगर तो तू पिछल रात, कहने का बाबा अमृत उठ के नाम जप रहा है, तो तू परमात्मा की नजरों में तो जिंदा है, जीवित है। अगर नहीं तो उसकी नजरों में तेरी मौत हो चुकी है, आत्मिक मौत भी और शारीरिक मौत भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीदा, पिछल रात न जाग्यो, जीवन दड़ो मुयो, जे ते रब विसारिया, रब न विसरियो। राबिया की घटना सबने सुन रखी है, एक दिन नहीं उठी थी, केवल एक दिन। उसके सारे मुरीदों को एक ही सपना आया कि राबिया की मौत हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात को भोजन ज्यादा खा लिया, आलस आ गया, अमृत वेला नहीं संभाल सकी, सारे जीवन में केवल एक दिन राबिया, खुदा की नजरों में उसकी मौत हो गई। हम कई कई दिन सोए रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर कहते हैं कि हमारी अरदास गुरु सुनता नहीं, मुर्दे की अरदास कहा कौन सुनता है भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जप जप जीवा सतगुर नाओ। गुरु साहब जी सेवा ले रहे, श्री जपजी साहब जी के बाणी के अर्थ, और शब्द चल रहा है जप, जो दास ने कल भी इस बात पर विचार हुई थी कि ये सेंटर पॉइंट है, केवल इस मूल मंत्र का नहीं, सारी बाणी का सेंटर पॉइंट है जप। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे जो मूल मंत्र के गुण हैं, निरंकार के गुण हैं, तेरे भीतर तब समाएंगे जब वर्तेगा गुरु प्रसाद। और गुरु प्रसाद कब वर्तेगा? जब तू जपेगा। गुरु नानक पातशाह ने दिया है जप, कि अगर तुझे ये सारे गुण चाहिए, गुरु प्रसाद चाहिए, तो क्या कर? जप। किसको जप? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानकोसी भी सच। जप, जपने के बिना बात नहीं बनेगी। पानी 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 कहने से प्यास नहीं बुझती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यास बुझती है जो पानी पीता है। जब तक नाम नहीं जपेंगे, जब तक नाम नहीं जपेंगे, तब तक दुखी रहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कहते हैं हमारे दुख मिट जाएं, गुरु के आगे खड़ो के अरदास करते हैं, पर बिना जपे? अच्छा तो बाणी में इतनी सख्त पंक्तियां कहते हैं कि बोलते हुए भी डर लगता है। हम कहते हैं हमारे दुख दर्द दूर हो जाए, बाणी कहती है बिन खाए भूजे नहीं भूख, रोग जाए तो उतरे दुख।
बिना भोजन खाए भूख नहीं मिटती, बिना रोग ठीक हुए दुख नहीं दूर होता, बिना नाम जपे सुख कैसे पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम के बिना, जप के बिना, शुरुआत नाम की जप से होती है। ये जप जो है ना, ये इनिशियल स्टेज है जप। ये जो श्री जपजी साहब जी की वाणी का नाम भी जप, सेंटर पॉइंट भी है और इनिशियल स्टेज और आखिरी स्टेज तक जप स्टेज। ध्यान से समझना, पहले इनिशियल स्टेज में इंसान बोलकर जपता है जोर से, वाह गुरु, कान सुनते हैं, ये इनिशियल स्टेज है। पाछा यहाँ पर बच्चों की बात समझा रहे हैं कि कम से कम जप। यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके आगे तो कई स्टेजे हैं, एक होता है जप, एक होता है जाप, फिर एक होता है सिमरन, फिर सिमरन के कई प्रकार हैं। यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करेगा एक एक शब्द पर विचार हो, ताकि गहराई से हमें पता चल जाए कि जप है क्या, जप करता क्या है, जप की ताकत क्या है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु अपने मन को समझाना है हमें कि जप, हे मन जप, नहीं जपेगा तो 84 खड़ी है, नहीं जपेगा ना यहां सुखी होगा ना वहां सुखी होगा, नहीं जपेगा तेरे जितने भी गुण हैं अवगुणों में बदल जाएंगे, नहीं जपेगा राजा से भिखारी बन जाएगा, क्योंकि जो राजा है उसके पीछे भी खड़ा है जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को समझ लेना सत्संग जी, बड़ी जरूरी बात है। बाबा नंद सिंह जी अक्सर कहा करते थे, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, बड़ा वकील है, कोई पैसे वाला है, कोई बड़े औहदे पर है, पीछे खड़ा है उसका जपा हुआ नाम। हुन वत्ते हर नाम ना बीजो अग्गे भूखा क्या खाए, वाणी कहती है कि अगर अभी नहीं नाम जपेगा आगे क्या खाएगा। कहने का भाव, आज जो खा रहे हैं, आज जो खा रहे हैं पहले बीजा हुआ है। आप जरा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो, दो बालक पैदा हुए, एक का दिमाग बड़ा तेज है, एक का दिमाग तेज नहीं है। अभी उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है, क्यों एक का दिमाग तेज है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों एक को हर बात जल्दी समझ में आती है, एक को नहीं समझ में आती है, क्यों? जो लोग समझते हैं कि पिछले कर्म नहीं होते, तो जब उन्होंने कोई कर्म किया ही नहीं है, दोनों ने अब जस्ट जन्म लिया है, दोनों में इतना अंतर क्यों? एक राजे के घर में जन्म ले रहा है, एक भिखारी के घर में जन्म ले रहा है, एक सारा जीवन दरिद्रता में गुजारेगा, एक बचपन से ही अरबों की जायदाद उसके नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांगने से पहले सारे सुख। गुरु नानक पातशाह ने कहा था भाई मर्दाना जी से, जब मर्दाना ने देखा ना एक सेठ की पालकी में बैठकर आ रहा है और उठाए हुए चार लोग जो थक गए हैं उठा के, उसे सेठ की पालकी में से बैठ के आवाज आती है कि मैं थक गया हूँ पालकी में बैठ बैठ कर। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेठ को उतारा जाता है, पेड़ के नीचे बैठे हैं, सेठ पालकी में बैठ के थक गया और जिन्होंने उठाया है
दो पानी लेने गए हैं, दो पंखा कर रहे हैं उसे, उन्हें फिर भी आराम नहीं। मर्दाना देखकर कहता है, हे गुरु नानक पातशाह, लगता है भगवान दो हैं, सेठ का भगवान अलग है और इनका अलग है। गुरु नानक पातशाह मुस्करा के कहने लगे, नहीं भाई मर्दाना, तुझे तो पता है भगवान एक ही है। कहने लगा, नहीं मुझे नहीं लगता आज एक है। ये देखो सेठ पालकी में बैठ कर थक गया और जिन्होंने उठाया हुआ उन पर कोई तरस नहीं, भगवान एक कैसे हो सकता है? दोनों की किस्मत में देखो कितना अंतर है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा मुस्कुरा के कहने लगे, मर्दाना तेरी बात में समझ गया। सवाल पूछने का ढंग था भाई मर्दाना जी का। गुरु नानक पाशा ने समझाया, फर्क एक ही है, इस सेठ ने जपा हुआ है नाम, इन्होंने नहीं जपा नाम। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितने भी हमें ऐशो आराम के साधन मिले हैं, जो कुछ भी मिला, जितने भी सुख मिले हैं, उनके पीछे खड़ा है जपा हुआ नाम। ये मैं नहीं कहता सातसंगत जी, वाणी की कई कई प्रमाण ये कहते हैं। मन मूर्ख काहे बिल लाइये, पूरब लिखे का लिखिया पाइये, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसे चितार। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कौन बस्त आए तेरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग। कि क्यों रो रहा है आज, जो तूने बोया था वही खा रहा है। इसलिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जंगल में बैठा हुआ अकेला आदमी भी सुखी रह सकता है अगर वो जपता है नाम, और राज गद्दी पर बैठा हुआ आदमी भी दुखी रहेगा अगर नहीं जपता नाम। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने मन को समझाओ, क्योंकि ये मन लालची है, ये मन लालची है। जब अमृत ले उठने के तैयार ना हो तो इसे समझाओ कि अगर नहीं उठेगा अमृत वेले, तो वो लोग भी हैं जिन्हें मजबूरी में उठ के अमृत वेले कचरा उठाना पड़ता है। वो लोग भी हैं जो अमृत वेले हॉस्पिटलों में बैठकर करा रहे हैं, रो रहे हैं। भगवान तुझे वहां भी पहुंचा सकता है अगर तूने नाम नहीं जपा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। असल में ये बात कहनी गलत है कि भगवान पहुंचाता है, वो कुछ नहीं करता, वो निर्वैर है, हमारे कर्म हमें वहां पहुंचाते हैं। अगर जपते हैं सुख भोगते हैं। यहाँ भी ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले पर किसको, जो जपता है। ए मानस ए मन आलस क्या करे, गुरुमुख नाम ध्याए। इस मन को समझाओ, आलस छोड़, हर काम में आलस कर लो, नाम जपने में नहीं। इसलिए महापुरुषों ने ये पंक्तियां बार बार कहा करते थे कि 10 काम छोड़कर भोजन खा लो, 100 काम छोड़कर नहा लो, 1000 काम छोड़कर सत्संग कर लो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि सत्संग कितना जरूरी होगा, सारे कामों से टॉप पे रखा है। 1000 काम छोड़ दो, अगर सत्संग की घड़ी आ गई है सत्संग कर लो, क्योंकि अवर काज तेरे कितने काम, सारे काम करने पड़ते हैं, मजबूरी है, कीर्ति है, गृहस्थी है, मजबूरी है। पर जब सत्संग का समय है, प्रेफरेंस इसको दे दो, ये है जप। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी वाणी का सार है जप। जपेंगे तो गुरुप्रसाद बरतेगा, पूरा गुरुप्रसाद तब बरतेगा जब ये जप कबूल हो जाएगा। जप कबूल होता है तो क्या होता है, अवस्था बदलती, वो जाप में बदल जाता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़ें, फिर इस विचार को समझें। सतगुरु नाम, जप
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। हम चाहते हैं हमारा मन सुखी हो जाए बिना जपे। भाई गुरुदास जी कहते हैं कैसे हो सकता है, श्रवण कीजिए। किसी चीज की प्राप्ति उस काम को करने से होगी ना, बातें करने से नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई उपदेश देता रहे कि नाम जपो नाम जपो नाम जपो, पर जपे ना खुद कैसे बात बनेगी, ना उसकी बात में असर होगा। बाबा नाम सिंह जी तो वचन करते थे कि बात जितनी गहराई से निकलती है उतनी गहराई पर जाकर चोट करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए महापुरुष जब वचन करते हैं उनके वचनों पर चलने का मन करता है, और कोई कहे तो मन नहीं लगता। क्यों? उनकी कमाई है, वो खुद करते हैं। तब जब वो कहते हैं करने के बाद उसे मानने का मन करता है, और जितने ज्यादा कमाई होती है उतनी तीव्रता से मन मानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 एक महापुरुष बैठे, एक माता अपने बच्चे को लेकर आ गई कि माँ पूछो इसे समझाओ, ये मीठा बहुत खाता है, बहुत मीठा खाता है, इसे समझाओ कि इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, नुकसान होता है। महापुरुष कहने लगे इसे कुछ दिन बाद लेकर आना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काफी दिनों बाद जब माता लेकर आए तो महापुरुषों ने बच्चे के सर पे हाथ रख के कहा भाई मीठा कम खाया कर, मीठा नुकसान करता है। बच्चे ने भी कहा ठीक है। माता ने सवाल पूछा, उस दिन भी तो ये बात कह सकते थे, इतने दिन क्यों निगा दिए कहने में। महापुरुष कहने लगे मैंने इतने दिनों बाद ये बात इसलिए कही क्योंकि तब मैं भी बहुत मीठा खाता था। तब मैं अगर इस बच्चे को कहता, बालक को समझाता मीठा मत खा नुकसान करता है, कोई असर नहीं होना था मेरी बात का, क्योंकि मैं उस पर नहीं चल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज मेरी बात का असर होगा क्योंकि मैंने जब से आपने कहा है तब से मेरे मन को भी बात लगी है, मैंने मीठा बंद कर दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैंने कंट्रोल किया है इसलिए मैं इसे कह सकता हूँ कि मीठा मत खाया करो ज्यादा नुकसान करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करनी प्रधान है गुरु की नजरों में। दुनिया की नजरों में हम चाहे कुछ भी बनकर बैठ जाए, पर यहाँ पर जहाँ की बात हो रही है मूल मंत्र की, गुरु प्रसाद वर्ताने की, उससे क्या छिपा है, वहां पर पखंड नहीं चलेगा, वहां पर दिखावा नहीं चलेगा। इसीलिए तो कहा है कोई गावे रागे नादी बेदी भव पात कर, नहीं हरवर पी जाए राम राजे। चाहे राग में गाए चाहे किसी प्रकार से गाए, बढ़िया बढ़िया राग से गाए, रो कर गाए, वो भी प्रसन्न नहीं होगा। क्यों? जिन्हें अंदर कपट विकार है तिन्हें रोए क्या कीजिए। जिसके भीतर कपट है विकार है, कपट किसे कहते हैं, दिखाना कुछ और बाहर कुछ और अंदर कोई और, जो भीतर है वही बाहर दिखे। कहते हैं ना ये आदमी बड़ा अच्छा है क्योंकि जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है, कुछ छिपा हुआ नहीं है इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे लोग भाते हैं मन को जो जैसे भीतर है वैसे बाहर है, क्लियर पिक्चर। जो लोग दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, ज्यादा देर नहीं निभती उनके साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जब असली चेहरा सामने आता है रिश्ते टूटते हैं। सच्चा इंसान बनने के लिए भीतर से सच्चा होना पड़ेगा। भीतर से सच्चा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्हें अंदर कपट विकार है तिन्हें रोए क्या कीजिए, उसको रोना भी वो नहीं सुनता क्योंकि भीतर कपट है। बड़ा मुश्किल है, मैं दासी मानता है इस बात को, पर जो अमृत वाले उठते हैं उन्हें तो इस पर चलना है क्योंकि गुरु प्रसाद को पाना है, तो बाहर भीतर एक होना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंदगी की ये शर्त है बंदगी की। शेख फरीद खैर दीजिए बंदगी तेरी पने खुदाए तू बख्शिंदगी। जिन जिन मुख मुख होर मन होर मुख होर से कांडे कच्चे। बंदगी का शब्द है ये, और इसकी पंक्ति कि जो मुख से और है मन से और है, कहते कुछ और है करते कुछ और है, वो गुरु की नजरों में कच्चे हैं। काच पकाई उथे पाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कच्चे अगर गुरु की नजरों में पक्के बनना है हमें एक ही काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं। हमारे हाथ में जो है एक ही का है कर्म,
कर्म हमारे हाथ में फल नहीं, कर्म एक कर ले बस, जप ले, जप लो, किसी प्रकार जप लो, समय निकालो किसी प्रकार। अगर किसी का अमृत वाला नहीं बन रहा, समझो बड़ी कोशिश कर रहा है, दिन में ज्यादा से ज्यादा जप ले, क्योंकि इसका फल उसे मिलेगा कि अमृत वाला मिल जाएगा, पर उसके लिए भी जपना पड़ेगा, क्योंकि अमृत वाला एक अनमोल दात है, ऐसे हाथ में नहीं आ जाती। अगर कई लोगों के ऐसे होते हैं कि अमृत वाला नहीं बन रहा, कई साल हो गए, ऐसे कई हैं, चाहते हैं उठना, सुबह जब हो जाती है तो रोते भी हैं कि अमृत वाला छूट गया, हाथ से निकल गया, पर एक पक्का नियम नहीं बन पा रहा। तो क्या अमृत वाला बीत गया तो अभी दिन में पाठ नहीं करने? नहीं, आप जपो दिन भर, उसका फल ये मिल जाएगा कि गुरु अमृत वाला बख्श देगा, बख्शेगा जपने से, खाली रोने से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर रोना आया है तो उस रोने का लाभ उठाओ, बैठो फिर जपो, ज्यादा से ज्यादा जपो, अपने आप को सजा दो, आज मेरा अमृत वाला छूटा, आज मैं 5 पाठ श्री सुखमनी साहब जी के करूंगा, मन को सजा, आज पूरा दिन भोजन नहीं खाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा नाम जपूंगा, मन को सजा दो अपने कि आज मेरा अमृत वाला छूटा, गुरु क्या करेगा, मेहर कर देगा, गुरु प्रसाद बरताएगा, अमृत वेले उठाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले, खेमे छतर सिरायचे दिसन रथ पीड़े। पाचा कहते हैं कोई अगर ये कहे कि मैं अपनी मेहनत से उठता हूँ, कोई ये कहे कि भाई साहब उठाते हैं, नहीं, मैं केवल इस वक्त प्रेरणा दे सकता हूँ, अमृत वेले आकर उठा नहीं सकता आपको, उठाता गुरु नानक है, ये बाणी सिद्ध करती है बाणी। पिछो राती सदड़ा, जिसे वो बुलाए, सदड़ा कहते हैं किसी को पूछे ना भाई इसकी शादी में क्यों नहीं गया, तेरा तो खास था, कहता कार्ड नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कार्ड नहीं दिया तो मैं क्यों जाऊं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भाई हर एक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नहीं बुलाना चाहता मैं क्यों जाऊं, एक कार्ड ना मिले शादी का, हम उसकी शादी में नहीं जाते, चाहे कितना भी करीबी दोस्त हो, बुरा लगता है। यहाँ पर पाचा बाणी में यही कह रही है, पिछो राती सदड़ा, जिसे गुरु नानक बुलाए इन्विटेशन दे, वही अमृत वेले उठ सकता है, दूसरा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले, फिर क्या होता है, खुद ही उठाता है, खुद उठाता है बांह पकड़कर, क्यों उठाता है, दात देनी है इसे, दाते खेमे छतर सिरायचे दिसन रथ पीड़े। दुनिया भी जितने भी सुख हैं, उस जमाने में रथ होते थे, आज के जमाने में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, छतर झूलते हैं, राजे महाराजों का जीवन मिलता है, जो अमृत वेले उठकर जपते हैं नाम, जपते हैं, केवल अमृत वेले उठते बैठते नहीं, जपते हैं। अमृत वेले उठते तो चोर भी हैं, अमृत वेले तो विषय भी भोगते हैं लोग, अमृत वेले जो उठकर जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जप मन को समझाओ के मन जप ले, यही तेरा अवसर यही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कहत कबीर जीत के हार, बहुविद कहो पुकार पुकार, कि यही अवसर है, अगर जप लेगा जीत जाएगा, नहीं जपेगा हार जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जप 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 जप
अमृत जल को मीन। नौवें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहिब जी कह रहे वही बात जो इस शब्द में चल रही है कि जप जप जीवा सतगुर नाम। मैं जीता ही तब हूँ जब जपता हूँ। गुरु तेग बहादुर साहिब जी कहते ऐसे जप, ऐसे प्रेम से जप, जब से तेरा इतना प्यार हो जाए नाम से, इतना प्रेम पैदा हो जाए जैसे मछली का पानी से, पानी से जैसे ही मछली अलग होती है तड़प तड़प के मर जाती है, तेरी मन को ऐसे प्यास लग जाए नाम की, जब ना जपे तो तेरा मन तड़प उठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की, अगर तू नहीं जपता तेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है। कहो नानक हर पज मना, जह विद जल को मीन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, तेरा मन बिना नाम जपे ना रह सके, ये अवस्था हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार जप के तो देखो। दास कई बार ये बात कहता है, दुखों में जीते हो, रो रो कर जीते हो, ये दुख है वो दुख है, ये तो मैं नहीं कह सकता, परमार्थ की बात तो मैं नहीं करता कि वो गुरु प्रसाद बरते तो तब मिलता है वो गुरु नानक। पर दुनियावी ऐसा कोई सुख नहीं है सात संगत जी, ऐसा कोई सुख नहीं है जो आप चाहो और जप कर हासिल ना कर सको। दास बहुत बड़ी बात कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं बनी सृष्टि में जो जप कर हासिल ना की जा सकती हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जप कर कोई भी चीज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जप लो, किसी प्रकार जप लो, समय निकालो जपने के लिए। दुनिया के सारे काम 24 घंटे होते हैं, कुछ 6-8 घंटे सो ले, खा ले, काम कर ले, फिर भी इतना समय बचता है सोशल मीडिया छोड़कर जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जप वाहे गुरु, वाहे गुरु। कितना निराला सिद्धांत है जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमें दिया है, पांच वाणियों का नित्यनेम। कितना निराला सिद्धांत है, इतनी बारीकी है सिद्धांत में, कमाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शायद एक दो दिन पहले मुझे किसी ने सवाल किया था, पांच वाणियां हैं आगे पीछे पढ़ सकते हैं क्या? जब जी साहब जी कर ली, फिर सीधा चौपाई साहब जी कर ली, जाप साहब जी छोड़ दिया क्योंकि मुश्किल लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा है टाइम लग जाता है, पर यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इन पांच वाणियों को इस वेरवे से क्यों जोड़ा है, क्या कारण है, इसके पीछे बड़ा डिटेल कारण है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले श्री जपजी साहब जी जिसका नाम है जप, उसके बाद जाप साहब जी जाप, फिर तव प्रसाद सवैये चौपाई साहब जी, आनंद साहब जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना प्यारा सिद्धांत दिया है। स्टार्ट किससे हो रहा है? जप। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की शुरुआत श्री जपजी साहब जी की बाणी जिसका नाम है जप, जप बाणी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जप निशान, हमने इस पर विचार की थी ना कि निशान हृदय में निशान उकर जाता है, उसके मोहर लग जाती है कि श्री जपजी साहब जी की बाणी रोज पढ़ता है जो नित्यनेम से पढ़ते हैं, ये वीजा है दरगाह का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जप निशान, बाणी का नाम जप, पहली बाणी जप। शुरुआत किससे होती है? जप से। पहले रसना बोलती है, आवाज आती है जप, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले मेहनत करनी पड़ती है, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेते। पहले तुझे जपना पड़ेगा जप, फिर गुरु नानक ऐसी मेहर वर्ता देता है कि ये जप जाप में बदल जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये वाणी का वेरवा इस प्रकार रखा, लिस्ट इस प्रकार बनाई है कि पांच वाणियों का एक के पीछे एक कारण है। पहले जप एक ज्ञान है, इसके पीछे पहले जपना है, फिर गुरु मेहर करता है, जप जाप में बदल जाता है। पहले मेहनत करनी पड़ती है, जाप का मतलब जपना, मतलब हमने मेहनत करनी जपना, और जाप का मतलब होने लग गया। अब प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जपा नहीं जा रहा, अब जाप होने लग गया, अब बिना मेहनत के चल रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने श्री जाप साहब जी का उच्चारण किया, जाप क्या है? जाप साहब, जाप वाणी का नाम क्या है? जाप। जप के बाद क्या आया? जाप। जाप क्या है? 174 नाम है परमात्मा के, उस्तत के, लगातार लगातार उसके उस्तत, उसके उस्तत, उसके कई नामों के उस्तत। ये होने लग गया है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जाप कर नहीं रहे, जाप हो रहा है, उसकी उस्तत हो रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इस अवस्था तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? जप। शुरुआत जप से होती है, और अगर अभी तक ये पांच वाणियां करती क्या है, हमें इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए है ये पांच वाणियां, हमें ज्ञान देती है। जब श्री जपजी साहब जी की वाणी पढ़ते हैं और उसके बाद दिन में जपते हैं, क्योंकि वाणी कह रही है जप, और उसके बाद जपते हैं प्रेरणा से, तो ये जप एक दिन जाप में बदलेगा, किसी का आज बदलेगा, किसी का कल बदलेगा। इबादत कर, इबादत करन दे नाल गल बनदी है, बुल्ले शाह कहते हैं ना, इबादत कर, इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसी दी आज बनदी है, किसी दी कल बनदी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई देर से पहुंचता है, पहुंचता जरूर है, जो चल पड़ा है वो तो पहुंचेगा ना, चला तो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं, सुनते हैं, चलते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांच वाणियां, पहले हुआ जप, फिर आया जाप। अब जाप क्या करता है? जब जाप अपने आप होने लग जाता है तो ये जाप बैराग में बदल जाता है, बैराग में। सच है सत्संगत जी, जब जाप होने लग जाए तो बैराग की ओर ले जाता है। अब जाप के चाहता है, जिसके भीतर जाप का मतलब सिमरन शुरू हो गया, अब सिमरन शुरू हो गया, उसकी याद बनी रही, अब जिसकी याद में बैठा है उसे मिलने का दिल करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन करता है ना जिसे याद कर रही हूं वो मिल जाए, सामने आ जाए, यही बात है। ये जाप बैराग में बदल जाता है, तब प्रसाद सवैये पूरे के पूरे बैराग की वाणी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक अक्षर बैराग का है, तव प्रसाद सवैये, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो वाणी उच्चारण की है। कभी ध्यान से इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्या कहती है वाणी, श्रवण कीजिए। ये वाणी करती क्या है? तव प्रसाद सवैये क्या करती है? बैराग क्या करता है? बैराग मोह के बंधन तोड़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस मन में बैराग पैदा हो जाए वो मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
मोह से ऊपर उठ जाता है। बैराग श्रवण कीजिए। माते मतंग जरे जरे संग अनूप उतंग सुरंग सवारे, माते मतंग जरे जरे संग अनूप उतंग सुरंग सवारे। पुराने जमाने में राजाओं महाराजाओं के पास हाथी होते थे। प्यार से बोलिए धन गुना। वो भी ऐसे हाथी जो सोने से सजे हुए हों, सिंदूर से भरे हुए हों, कहने का भाव महंगे वस्त्र डाले हुए उनके ऊपर। राजाओं की शान होते थे हाथी। प्यार से बोलिए धन गुना। जिनके पास पातशाह कहते गुरु गोविंद सिंह महाराज उच्चारण करते, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, इतने हाथी थे उनके पास जिनकी गिनती नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप जरा हम ना वाणी को ध्यान से विचारते नहीं। कितने योजन छतर चलता था। छतर कहते हैं पता है कैसे, छतर कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश है तो छतर लगाते ना उसके ऊपर, कहते हैं छतर है ये। चौर छतर के मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जब दुर्योधन चलता था ना, दुर्योधन पांडवों का वैरी जब चलता था ना, तो कितने योजन छतर उसके ऊपर चलता था। इतनी सेना थी उसके पास कि उसके ऊपर सूरज की रोशनी ना आए, एक योजन योजन कई किलोमीटर तक छतर चलता था उसके सर पर। इतनी बड़ी सेना थी उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो दसम ग्रंथ की वाणी में यहाँ तक लिखते, ऐसे ऐसे महाबली हुए हैं जो पहाड़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देते थे। ऐसे ऐसे महाबली, छोटी बात नहीं कहने के, ऐसे ऐसे महाबली। हनुमान जी क्या थे, पहाड़ उठाकर ले आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर क्योंकि वो राम के भक्त थे, आज सारी दुनिया उन्हें पूछती है भक्त के नाम से। पर गुरु गोविंद सिंह जी इस वाणी में ये कह रहे हैं बार बार कि ऐसे बड़े बड़े राजा हो गए जिनके पास हजारों हाथी, ऐसे ऐसे ताकतवर लोग हो गए जो पहाड़ों को उठा के एक दूसरी जगह पर रख देते थे, आज उनका कोई नाम भी नहीं जानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सृष्टि को बने कई बार पसरे पसार, सदा सदा के अहंकार। ये पसारा कई बार बन चुका है, कई बार खत्म हो चुका है, कई बार परलो आ चुकी है, हमें तो पता ही नहीं कितनी बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं क्योंकि वो सृष्टि के मालिक है, वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे राजा हुए हैं। क्यों, बैराग की वाणी। बैराग क्या कहती है, बंधन तोड़। बंधन तोड़ती है मोह से। मोह के बंधन कैसे टूटेंगे जब सब मिथ्या दिखाई देगा। तो प्रसाद सवैये की वाणी एक एक वाणी ये प्रमाणित करती है कि बड़े बड़े आकर चले गए, तू इकट्ठा करके क्या कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग आगे श्रवण कीजिए। माते मतंग जरे जरे संग अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन को जाते निवारे। करोड़ों घोड़े एक नहीं, कोट तुरंग, तुरंग कहते हैं घोड़ों को, हिरनों से तेज दौड़ने वाले घोड़े, उनसे सुंदर घोड़े, करोड़ों घोड़े। ऐसे राजा हुए जिनके पास करोड़ों घोड़े हुए हैं। आज के जमाने में गाड़ियां ले लो, करोड़ों गाड़ियां किसके पास होती है। पर गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं ऐसे राजा हुए जिनके पास करोड़ों घोड़े हुए, आज जिनका कोई नाम भी नहीं जानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पारी पुजान के पूप पले विद न्यावत शीस ना जात बिचारे, बड़े बुजाओं वाले राजे। ऐसे ऐसे राजा हुए जिनके आगे हजारों राजा अपना सर रख देते थे, सर झुका लेते जब वो राजा गुजरते थे, उन राजाओं का नाम कोई नहीं जानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एते पहे तो कहां पहे पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे, क्या कर लेगा इससे बड़ा तो नहीं बन सकता ना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं जब इतने बड़े बड़े नंगे पांव गए हैं तो तू क्या ले जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो प्रसाद सवैया। बैराग जप करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। जप ने क्या किया, जाप शुरू करा दिया भीतर। सिमरन, सिमरन ने क्या किया, प्रेम पैदा कर दिया कि जिसका सिमरन कर रहा हूं, जिसको याद कर रहा हूं, वो आके सामने मिले। इसके लिए अंदर बैराग पैदा हो गया। बैराग ने क्या किया, मोह के बंधन तोड़ दिए।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जीत फिरे सब देश दिशान को, बाजत ढोल मृदंग नगाड़े, गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत हैं है राज हजारे, पूत पविख पवान के पूपत कौन गने नहीं, जात बिचारे उन्हें कौन जानता, उनकी जात का भी किसी को पता नहीं, इतने बड़े बड़े राजा हो गए। श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे, जिन्होंने नहीं जपा नाम नरकों में गए वो चाहे कितने भी बड़े राजा थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं। सिद्धांत देखिए नित्यनेम का कितना प्यारा है, जप कर जाप शुरू होगा बैराग पैदा होगा, अब बैराग से क्या होगा, ये बड़ी प्यारी बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वही दो पंक्तियां पढ़ लें, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, दर्शन को बल जाओ, गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा दिया हुआ नित्यनेम का सिद्धांत जप जाप में बदल जाएगा, जाप बैराग में, अब बैराग में पुकार उठेगी उसे मिलने की। अब जब पुकार उठेगी उसे मिलने की, बड़ी ध्यान से समझना इस बात को, जो लोग इस रास्ते पर चले हुए हैं या जो जपजी शब्द का पाठ भी नेम से कर रहे हैं, गुरु नानक मेहर करेगा दास ने पहले भी कहा, वो समय आएगा जरूर हर एक के जीवन में, वो आना ही आना है। किसी का आज आएगा, किसी का कल आएगा, किसी का अगले जन्म में आएगा, डिपेंड करता है अपने अपने कमाई पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कितना गुरु प्रसाद बरता है। अब वो पुकार कर रहा है प्रभु मिल, मोह के बंधनों से ऊपर उठ गया वो, मोह के बंधन उसके टूट गए। अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा होगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब काम वासना जागने लग जाएगी, बड़ी ध्यान से समझना इस बात को, इतना तंग करेगी जैसे पहले कभी किसी नहीं की होगी उसको। क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, अहंकार तो तीव्रता से बढ़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों बढ़ जाएगा अहंकार, सबसे ज्यादा इस वक्त बढ़ता है जब हम किसी एक चीज पर काबू पा लेते हैं, मोह के बंधन टूटे, अपने आप को समझने कुछ लग गया, मुझे तो दुनिया से मोह ही नहीं है, अब तो मैं ऊपर उठ गया हूँ मोह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भीतर अहंकार बढ़ जाएगा, क्यों,
क्योंकि प्रभु से मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत ऊंची अवस्था होती है। अब जब ऊंची अवस्था हो रही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो पांचों भीतर बैठे इन्हें ये डर जाते हैं, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, ये डर जाते हैं, युद्ध स्तर पर ये लड़ने लग जाते हैं कि इसे प्रभु से मिलने नहीं देना। ध्यान से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, प्रभु से अब मिलने नहीं देना इसे, क्योंकि वैराग जाग गया है। अब हर तरह से पूरा जोर लगा रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इसे हराने के लिए। अब ये जो अपने आप को कुछ समझ बैठा है मोह के बंधन को तोड़कर, ये लड़ता है उनसे, पूरा जोर लगाता है लड़ने का, पर बार बार हारता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। पर खालसा है, खालसा सोए जो करे नित जंग। खालसा कौन? जो सच्चा है, प्योर है। खालस का मतलब होता है प्योर। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। प्योर गुरु की नजरों में कौन? जो लड़ता है, चाहे हारे चाहे जीते, लड़ता है वो प्योर है। अब वो लड़ रहा है, काम से भी लड़ रहा है, क्रोध से भी लड़ रहा है, मोह से भी लड़ रहा है, लोभ से भी लड़ रहा है, अहंकार से भी लड़ रहा है। चलो मोह को तो जीत लिया, चार से लड़ रहा है, लड़ता है रोज, जीतता है हारता है, जीतता है हारता है, यादा करके तो हारता ही है। अब उसे एहसास होने लगता है कि मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। मैं समझता था कि मेरा मोह के बंधन तोड़ गया, भगवान को मिल लूंगा, वैराग पैदा हो गया है, पर मिल नहीं, अब पर मिल नहीं पाया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्यों नहीं मिल पाया? क्यों? इन्होंने पूरा जोर लगा दिया, पांच विकारों ने नहीं मिलने देंगे। अब लड़के जब हार के टूटता है, इसके अहंकार को चोट लगती है, विनम्रता में आता है मन। अब क्या करता है? अब पुकार करता है कि हे पातशाह, मैं नहीं मिल सकता, मेरी समर्था नहीं तुझे मिलने की, ये पांचों ने मुझे पकड़ रखा है, क्यों छूटूं, कैसे तरूं, पवजल निध भारी, राख राख मेरे बीठला, जन शरण तुम्हारी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अब पुकारता है, राख पिता प्रभ मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राख नारे, हे पाचा मैं अकेला हूं, ये पांच है मैं नहीं लड़ सकता, तू आके सहायता कर। अब क्या हुआ, क्या हुआ, बैराग में क्या उठी पुकार, पुकार अरदास। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसीलिए चौथी वाणी श्री चौपाई साहिब जी की रचना की, ये अरदास है, पुकार है कि मेरी समर्था नहीं, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण हुए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रीत पारा। ये चौपाई साहिब जी की पूरी वाणी अरदास है, क्योंकि जब बैराग की अवस्था में वो प्राप्त नहीं हुआ, अब पुकार निकलती है, अरदास निकलती है, पाचा मैं नहीं मिल सकता, तू मिल, मेरी समर्था नहीं, ये पुकार का नाम है अरदास। ये है चौपाई साहब जी की वाणी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। हमें रास्ता बताया है कि कब क्या करना है, तू नहीं जीत सकता इनसे, अरदास कर गुरु को। अरदास में वो ताकत है साध संगत जी, जब कोई चीज काम नहीं आती ना, द्रौपदी के क्या काम आया था, अरदास। मुसीबत के समय दास का अपने जीवन का तजुर्बा है, ऐसी ऐसी मुसीबतें आई हैं कि ऐसा लगता कोई हल ही नहीं है, पर एक अरदास बाबा दीप सिंह जी के चरणों में एक सेकंड में प्रॉब्लम खत्म। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अरदास जहां पर आपकी सुरती जुटी, जहां पर आपका मन जुड़े गुरु नानक के चरणों में, जहां पर आपका मन जुड़े, अरदास वो ताकत है जहां पर अपनी सारी ताकत खत्म हो जाए, अरदास वहां पे काम करती है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अरदास का मतलब ही चमत्कार है, क्योंकि अरदास का मतलब दासा भाव, गुर प्रसाद वर्तता है, तब वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे। हर नाकश दुष्ट हर मारे प्रहलाद तराया क्यों, अरदास। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जितने भी संतों महापुरुषों को मिले है, तब मिले है, जब रोकर निकली है अरदास, कि अब मैं नहीं मिल सकता, मेरी समर्था नहीं, तू आके मिल। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद कभी बरता है, जब जप जप कर, जप जप कर, जप जप कर थक कर निकलती है एक अरदास, पर वो अरदास ऐसी होती है, बाबा नरसिंह जी कहते थे ऐसी नहीं जैसे हम करते हैं, एक डूबता हुआ कैसे चिल्लाता है बचाओ, आखिरी सांस लेता है चिल्लाता है हाथ बाहर निकाल के बचाओ नहीं तो डूब जाऊंगा। जब तक वो दर्द वाली पुकार नहीं निकलती ना, तब तक वो नहीं आता। और अगर आज तक नहीं आया, आज तक नहीं सुनी, तो इसका मतलब हमारे दिल से वो दर्द वाली आवाज अब तक नहीं निकली है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चौपाई साहब जी, अब जब ये अरदास निकलती है भीतर से कि आके मिल, फिर वो आके मिलता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। इसलिए पांचवी वाणी रखिए, आखिरी पड़ाव, आनंद पया मेरी माए, सतगुरु में पाया।
इसलिए दास हमेशा कहते हैं पता नहीं जीवन में ये पहलू कब आएगा, जिस दिन सच में गा तो रहे हैं, जिस दिन सच में इसे जो कह रहे हैं उस पर अमल हो जाएगा, जिस दिन कि आनंद पया मेरी माया, अब मैं आनंद में आ गया हूँ, परमानेंट सुख मिल गया मुझे, क्यों सतगुरु में पाया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, फिर ये सारी वाणी आनंद 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 आनंद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो शुरुआत किससे हुई, जप से, जप नहीं होगा तो जाप कहां से आएगा, आगे की कहानी कहां से शुरू होगी, जब तक जप ही नहीं शुरू हुआ हमने अभी तक जपने की मेहनत ही नहीं की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जोड़कर बेनती है सारी संगत के चरणों में, दास ने पहले भी कहा था कि अगर सारा कीर्तन सुनकर सारी कथा सुनकर अगर नित्यनेम नहीं बढ़ाया, जप नहीं बढ़ाया तो क्या लाभ, मन में प्रण करो। दास हमेशा कहता है दुनियावी में अगर शांति में रहना है दुनिया में तो नीचे वाले को देखकर सेटिस्फाइड हो, पर अगर नाम जपने में अगर गुरु को पाना है तो अपने उच्च वाले को देखो जो आपसे ज्यादा नाम जपता है कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं जप सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जप जप ही कहानी आगे बढ़ाएगा और गुरु प्रसाद में समाएंगे, नहीं तो फूकी बातें हैं, पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ गड्डी खाद, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, कुछ नहीं है, सिर्फ वजन ही बढ़ाना है अपने सर पर, बस आप सुनकर बढ़ाओगे मैं बोलकर बढ़ाऊंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, हम इतले बैठे हैं गुरु नानक के चरणों में बैठे, उसको अरदास करो, पुकारो पाछा, तरस कर, तरस कर, तरस कर, उद्दम बख्श कि मैं तेरा नाम जप सकूं, क्योंकि आप जपाए जपै सो ना हो, ये उसे कहो कि तू ही कहता है ना कि तू जपाएगा तो मैं जपूंगा, तो तू तरस कर, ये पुकारो, अरदास करो, मांगो, हर चीज मांगते हो, बच्चा पास हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो काम हो जाए, नाम भी मांग लो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, क्योंकि ये मूल है, पेड़ मांग लो, छांव फल सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, फल मांगोगे फल मिलेगा, पेड़ नहीं, पेड़ मांग लो हमेशा के लिए फल मिल जाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, जप 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 जीवा सतगुर नाओ, जीवा सतगुर नाओ, जीवा सतगुर
सतगुरु नाम। कभी वो बाज बेंती चौपाई हमरी करो हाथ दे अच्छा पूर्ण हुए चित की इच्छा तो चन बन रहे अच्छा।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। सदा सहाय ओम।
नमः शिवाय। शिवजी सदा ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋ ਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ
ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਤੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈ ਆਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਰਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਤਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨਾ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾਏ ਕੁਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸਤ ਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸੁਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮਨ ਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਅਠ ਸੜ ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀ ਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋਹ ਭਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਅਲੇ ਵਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਅਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ
ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਯੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਤਿਬਾਹੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਉ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕਹਿ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੁ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਯੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾ ਜਾਣੈ ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਇਆ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਹ ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇ ਕੇ ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹ ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਮਾਣ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਣ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਣ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਹੇ ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਹਿਤ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ ਜੇਵੜ ਪਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਵਾਰ ਸੋ ਦਾਰੁ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦਨ ਏਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ
गावन रत्नों पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे जोध मां बलसूरा गावे खान इंचारे गावे खंड मंडल वर पंडा कार कार रखे तारे से ही तुदनों गावे जोत पावन रते तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिनो पाई कर कर वेखा कीता अपना जिव तिस दी वड़ियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रुजाई मुंदा संतोख सरम पद चोली ध्यान की करह विभूत चिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहते जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दो एकार चलाव है लेखे आवै भाग आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहते जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दी बाण जिवत सभावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै उन्ना नदर न आवै बहुता एहो विडाण आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोय लोय भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी भाव लख हो लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश ए तुरा हे पत पवड़िया चढ़िया होए कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा या ईरीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राजमाल मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जीए जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै नीसान कच पकाई उथै पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंडका एहो धर्म ज्ञान खंडका आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे काड़त कड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नृंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथै घाटत घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता मैं मामा आहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै त अंत न अंत तिथै लो लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तपताओ भांडा पाओ अमृतो तिताले घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सकल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਏ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦੋ ਕਾ ਜਾਪ ਦਾਸ ਕਰਾਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਆਪ ਮੇ ਸੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਤੋ ਵੀ ਇਹ ਵਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣੇ ਸੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਭਾਵ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਹਮਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਈ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਹਮ ਆਏਗੇ ਯਹਾਂ ਪਰ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਆਪਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਹੋਗੀ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਤੈਸਾ ਤੈਸਾ ਫਲ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਹਮੇ ਸੁਣਨੇ ਕੀ, ਮਨ ਜੋੜ ਕਰ ਜਪਨੇ ਕੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਅਬ ਮਨ ਬਿਰਤਿਆ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰ ਲੀਜੀਏ, ਪੀਠ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੀਜੀਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰੋ ਸੇ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਹਮਾਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਂ ਸੇ ਜੋੜ ਲੇ। ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਮੇ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਦੇਹ ਮੇ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਹਮ ਸਭ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੜੀ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਮਿਹਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਰਾਤ ਕੋ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਮੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਆਓ ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪਹਿਲੇ 13 ਵਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਾ ਜਾਪ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨ ਸ਼ਬਦੋ ਕਾ ਜਾਪ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਪਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਪਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਪਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਪਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਪਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਪਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਪਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ।
ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬ ਅੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 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 ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਘਨ ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾਂਕੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਂਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਘਨ ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾਂਕੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਂਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਦੁਖਹੰਤਾ ਸੁਖਰਾਸ ਤਾ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਗੇ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਤਾ ਪ੍ਰਭ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਚੌਥਾ
हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल, प्राण नाथ, प्राण नाथ, अनाथ सखे, अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, 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 हे समरथ, हे समरथ, अगम पूरन, अगम पूरन, मोह मया धार, मोह मया धार, मोह मया धार, मोह मया धार, अंधकूप, अंधकूप, महापयान, महापयान, नानक पार उतार, 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 बाणी गुरु, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु है बाणी, विच बाणी, विच बाणी, अमृत सारे, अमृत सारे, विच बाणी, विच बाणी, अमृत सारे, अमृत सारे, गुर बाणी कहे, गुर बाणी कहे, सेवक जन माने, सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे, प्रतख गुरु निस्तारे, प्रतख गुरु निस्तारे, प्रतख गुरु निस्तारे, कोर दुख्यं, कोर दुख्यं, अनिक हत्यं, अनिक हत्यं, जन्म दारिद्रं, जन्म दारिद्रं, महाविख्यातं, महाविख्यातं, कोर दुख्यं, कोर दुख्यं, अनिक हत्यं, अनिक हत्यं, जन्म दारिद्रं, जन्म दारिद्रं, महाविख्यातं, महाविख्यातं, मिटंत सगल, मिटंत सगल, सिमरंत हर नाम, सिमरंत हर नाम, नानक जैसे, नानक जैसे, पावक कासट, पावक कासट, पसमंग करोत, पसमंग करोत, नानक जैसे, नानक जैसे, पावक कासट, पावक कासट, पसमंग करोत, पसमंग करोत, घोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत पौड़ी पौड़ी लल्ला लावो लल्ला लावो औखद जाहू औखद जाहू दुख दर्द दुख दर्द तह मिटह खिनाहू तह मिटह खिनाहू दुख दर्द दुख दर्द तह मिटह खिनाहू तह मिटह खिनाहू दुख दर्द दुख दर्द तह मिटह खिनाहू तह मिटह खिनाहू नाम औखद नाम औखद जह हृदय हितावे जह हृदय हितावे ताहे रोग ताहे रोग सुपने नहीं आवे सुपने नहीं आवे हर औखद हर औखद सब घट है भाई सब घट है भाई गुर पूरे बिन गुर पूरे बिन विध ना बनाई विध ना बनाई गुर पूरे गुर पूरे संजम कर दिया संजम कर दिया नानक तौ फिर नानक तौ फिर दुख ना थिया दुख ना थिया नानक तौ फिर नानक तौ फिर दुख ना थिया दुख ना थिया नानक तौ फिर नानक तौ फिर दुख ना थिया दुख ना थिया बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे गुरु बाणी कहे गुरु बाणी कहे सेवक जन माने सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे श्लोक श्लोक
दीन दर्द दुख पंजना, दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, नानक के प्रभ साथ, शरण तुम्हारी आयो, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, नानक के प्रभ साथ, दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभ साथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ। भैरो महल्ला चौथा, भैरो महल्ला चौथा, उठत सुखिया, उठत सुखिया, बैठत सुखिया, बैठत सुखिया, भाव नहीं लागे, भाव नहीं लागे, जा ऐसे बुझिया, जा ऐसे बुझिया, राखा एक, राखा एक, हमारा स्वामी, हमारा स्वामी, राखा एक, राखा एक, हमारा स्वामी, हमारा स्वामी, राखा एक, राखा एक, हमारा स्वामी, हमारा स्वामी, सगल घटाका, सगल घटाका, अंतर जामी, अंतर जामी, रहाओ, सोए अचिंता, सोए अचिंता, जाग अचिंता, जाग अचिंता, जहां कहां, जहां कहां, प्रभ तू वर्तन्ता, प्रभ तू वर्तन्ता, घर सुख वसिया, घर सुख वसिया, बाहर सुख पाया, बाहर सुख पाया, कहो नानक, कहो नानक, गुरु मंत्र दृढ़ाया, गुरु मंत्र दृढ़ाया, घर सुख वसिया, घर सुख वसिया, बाहर सुख पाया, बाहर सुख पाया, कहो नानक, कहो नानक, गुरु मंत्र दृढ़ाया, गुरु मंत्र दृढ़ाया, बाणी गुरु, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु है बाणी, विच बाणी, विच बाणी, अमृत सारे, अमृत सारे, गुरबाणी कहे, गुरबाणी कहे, सेवक जन माने, सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे, प्रतख गुरु निस्तारे, प्रतख गुरु निस्तारे, प्रतख गुरु निस्तारे, एक आस, एक आस, हर मन रखो, हर मन रखो, एक आस, एक आस, राखो मन माहे, राखो मन माहे, एक आस, एक आस, राखो मन माहे, राखो मन माहे, एक आस, एक आस, राखो मन माहे, राखो मन माहे, सर्व रोग, सर्व रोग, नानक मिट जाहे, नानक मिट जाहे, सर्व रोग, सर्व रोग, नानक मिट जाहे, नानक मिट जाहे, एक आस राखो मन माहे, राखो नानक मिट जाए,
सोरठ महल्ला पंजवा सोरठ महल्ला पंजवा गए कलेश रोग सब नासे प्रभ अपने कृपा धारी आठ पहर आराधो स्वामी पूरन घाल हमारी हर जियो तू सुख संपत रास हर जियो तू सुख संपत रास राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आगे अरदास राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आगे अरदास जो मांगो सोई सोई पावो अपने खसम भरोसा अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरपूरा भेटियो मिटियो सगल अंदेसा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे पर तख गुरु निस्तारे अनेक उपावी रोग ना जाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद लाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद राग बिलावल महला पंजवा दुपदे कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागया दारू नाम लया अवर उपाव सब त्यागया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया बाहा पकड़ प्रभ काट्या कीना अपनया सिमर मन तन सुखी सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया बाणी गुरु है बाणी विच बाणी
वाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे गुरबाणी कहे सेवक जन माने सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे गुरपुरे कृपा करी काटिया दुख रोग गुरपुरे कृपा करी काटिया दुख रोग मन तन शीतल सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग मन तन शीतल सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग प्रभ ध्यावन जोग गुरपुरे कृपा मन तन मन तन शीतल मन तन शीतल बिलावल महला पंजवा बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ रोग मिटाया आप प्रभ उपजिया सुख शांत वड प्रताप अचरज रूप हर कीन्ही दात गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे सोरठ महला पंजवा सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया सगला दुख
मिटाया सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुरबचनी मन इच्छे फल पाया फल पाया मन इच्छे फल पाया सोरठ महला पंजवा सोरठ महला पंजवा बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर 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 सगले रोग बिदारे सगले रोग बिदारे गुरपुरे की सरणी उबरे कारज सगल सवारे हर जन सिमरिया नाम आधार हर जन सिमरिया नाम आधार ताप उतारिया सतगुर पूरे अपनी कृपा धार अपनी कृपा धार रहाओ सदा आनंद करे मेरे प्यारे सदा आनंद करे मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया वड़ी वड़ियाई नानक करते की वड़ी वड़ियाई नानक करते की साच शब्द सत भाख्या साच शब्द सत भाख्या साच शब्द सत भाख्या धन गुरु नानक सत श्री अकाल धन गुरु नानक दास तो हाथ जोड़कर बेनती करेगा कि इन शब्दों का जाप हर रोज किया करो हर रोज जब ये सीडी बन जाए तो इन शब्दों को सोते समय अपने पास लगाकर सुना करो ये एक दिन का नहीं 5 दिन का है ये महापुरुषों के वचन है 5 दिन ये कोई इस प्रकार जिस प्रकार से आज सबने मन वृत्तियाँ एकाग्रचित करके सुना है गाया है गाविए हैं सुनिए मन रखिए भाव इस प्रकार सुन लेंगे गुरु मेहर करेगा हम सबके तन मन और आत्मा तीनों रोग हो जाएंगे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कहते हैं ना तीने ताप निवारण हारा तीन प्रकार के ताप होते हैं एक तन के रोग एक मन के रोग और एक आत्मा के रोग जो जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा को लगे हुए हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक ये तीनों प्रकार के रोग मिट जाएंगे गुरु नानक की अगर नजर हो गई प्यार से बोलिए धन गुरु नानक और उसके नजर पाने का तरीका क्या है गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख घर ले जाए धन गुरु नानक आइए अब दो पंक्तियां पढ़ें और समाप्त दुख पर हर सुख कर ले जाए दुख पर हर
कर ले जाए गावीए सुनिए मन रखिए पाओ गावीए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर आए सुख कर ले I love you.